पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता LJP लिख दिया। ये प्रवक्ता BJP लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने BJP तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। गजब बेइज्जती है। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की लेकिन अब सवाल सुन लीजिए जी। बोल। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं, ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। अच्छा आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है, हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। समझ रहे हो आप? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं तो कहता हूँ मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो अब लाल डायरी पे भी होना चाहिए। वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली? आप बोल ले मर्डर। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण MSP पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है, है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्म करो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए, एक FIR तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है। जली ना तेरी भी जली ना। मजा आया। यही नहीं अभी और सुनिए, सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तूतू मेवे में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है समरिया, जुम करो। देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता। बात तो सही है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है, यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया, हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। लवणे न भोज्यम। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। खत्म।